किन्नौर जिला की युवतियां बॉक्सिंग में प्रशिक्षण लेकर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका श्रेय किन्नौर से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सिंग कोच उपेंद्र नेगी को जाता है, जिन्होंने जिले की युवतियों को निःशुल्क बॉक्सिंग का प्रशिक्षण देकर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 144 स्वर्ण, 55 रजत और 55 ही कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें किन्नौर की युवतियों से ओलंपिक व कॉमनवेल्थ में देश को स्वर्ण पदक दिलाने की उम्मीद है। मैं यहाँ पर काफी प्रशिक्षण दे रहा हूँ, सुबह शाम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, मतलब 8 साल हो गए, 8 साल से प्रशिक्षण दे रहा हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। बच्चे भी बहुत काफ़ी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मतलब अपना किन्नौर का, हिमाचल का, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं और थोड़ा गर्व तो मुझे भी होता है, लेकिन मुझे असलियत में गर्व तब होगा जब मेरे बच्चा जो है जब एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक तक पहुंच गया, वो मेरे लिए वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा होगा और मैं दावा करता हूं कि एक ना एक दिन जो मेरा कोई ना कोई मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रही किन्नौर जिले की युवतियों का कहना है उनके कोच उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं और वे कड़ी मेहनत कर किन्नौर के साथ साथ देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगी। अंडर 17 से गोल्ड मेडल जो स्कूल गेम से है और बाकी अभी मैं 2020 में हाल ही में फरवरी में स्वीडन जाके आई, जो हमारे इन्विटेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वहाँ से मेरा गोल्ड है और जो भी आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मैंने अपना नाम अचीव किया है उसके लिए मैं अपना क्रेडिट कोच साहब को देना चाहती हूँ। मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट 2019 में खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल रहा और उसके बाद रिसेंटली मैं 2020 में यूनिवर्सिटी खेला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है और स्कूली गेम्स बहुत सारे खेले और उसमें मेडल्स रहे मेरे। अभी तक का मेरा हाईएस्ट अचीवमेंट 2020 रिसेंटली खेलो इंडिया में गोल्ड आया है और मैंने पिछले साल 2019 में एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट खेला था जो स्पेन में था और अभी तक मैंने अंडर 19 में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीता है और उसी के साथ साथ मैंने जूनियर में सिल्वर मेडल भी है। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। SDM कल्पा अविनेंद्र का कहना है कि आने वाले समय में किन्नौर की युवतियाँ बॉक्सिंग में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जो हमारा जिला है किन्नौर, इसमें बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो है अपार संभावनाएं हैं। उसकी वजह दो है, एक तो यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो बॉक्सिंग को लेकर काफी प्रेरित और उत्साहित है। उसकी वजह है कि वो जनरेशन टू जनरेशन वो जो है प्रतिभा जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती जा रही है। हमारे जिले में कई स्थानों के ऊपर जो है वो बॉक्सिंग रिंग स्थापित किए गए हैं और हमारे जो कोचेज हैं बॉक्सिंग के वो लगातार निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बॉक्सिंग में सही प्रकार से कोचिंग लेकर जो है वो अपने जिले, अपने माता पिता, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है रोशन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर युवतियों को खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए तो वे निश्चित रूप से किसी से भी पीछे नहीं है। DD News के लिए किन्नौर से सीताराम की रिपोर्ट।